हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं महेश कुमार रेट्रो गेमिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, और आप लोगों का स्वागत है पास्कल वगैरह के अगले भाग में। तो गाइस, अगले भाग में बढ़ने से पहले आपको उससे बात के लिए जाए कि लास्ट पार्ट ने इसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके विज़िट करें। एडिथ में अपन लोगों ने खेला था और उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो एडिथ में अपन लोग गए हुए थे, यानी मेरा प्लेयर, यानी अपन लोग, मतलब समझ रहे हो, खुद हम लोग गए थे, जिसका नाम था टेरेंस। किसे किसके लिए गया था समझ रहे हो? किसके लिए गया था? टेरिसा के लिए गया था, बट वह टेरिसा का कोई मतलब निशान नहीं, पर अब हमें एलिना मिली, ठीक है? तो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि हमें भाई बेल टावर मिले, और कुछ ऐसा मतलब वहाँ जो विलेज था तो बहुत इन्फेक्टेड टाइप का था, ठीक है? तो लोग मतलब काफ़ी वहाँ पर लोग जा चुके थे, कई लोग युद्ध पे जा चुके थे, और वहाँ पर मतलब बहुत लोग परेशान थे, और डार्क पावर का वहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि हमने से वहाँ पर हमने बेल टावर फाइंड आउट किए, और हमने वहाँ छोड़ी थी कहानी कि हमें एक चाबी ढूंढनी थी, ठीक है? तो चाबी मिलने के बाद हमने चाबी ढूंढ ली, साथ में अब हमें क्या करना है कि अब उस चाबी को हमें कहाँ इस्तेमाल होना है। और जो बंदा वो पीछ पे इतना पीठ पे सब कुछ टांगे घूमता रहता है, उसका काम क्या है, और वो बेल टावर की रक्षा क्यों करता है? तो वो कहता है कि बेल टावर की वजह से ही शहर की शांति बनी हुई है। तो ऐसा क्या है कि जो मतलब उसे डर है कि बेल बजना बंद हुई तो क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे सवाल मन में गूंज रहे हैं, तो गाइस इन सबके सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपन लोग चलते हैं पास्कल वगैरह के अगले भाग, यानी पार्ट 6 में। तो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, तो यहाँ पर अपन लोगों को हमें एक चाबी मिल चुकी थी, ठीक है? तो अभी हम चाबी लेके चलेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं तिजोरी जो खुलती है, पर इसका तिजोरी का रास्ता मिलता नहीं मेरे को। चलो कोई नहीं, तिजोरी से बढ़ करके अपने चाबी मिल गई ना भाई, तिजोरी अपने आप बाद में खुलिए। जोकर वोकर है भाई, इन सबको जोकर मार निकल निकलना पड़े, नहीं बच के निकलेंगे भाई। बहुत ख़तरनाक रास्ता है, बहुत ही खतरों से भरा रास्ता है। हाँ, तो हम यहाँ, हाँ मेरे ख्याल से अपनी हेल्थ कम है, सबसे पहले अपन लोग हेल्थ करेंगे अपने आप को। और ये कहा है अपने आप को हील, और ये हमने फर्स्ट क्लास हील किया अपने आप को। तो यहाँ पर हाँ देखो, ये इसका नाम था, जब मैं इसका आपको बताया उसका नाम था फ्रेलो। तो फ्रेलो ये वही फ्रेलो है जिस जो हमें आगे जाने में मदद करेगा, और ये बेल टावर का एक बिजनेसमैन है, कहता है कि इसी ये शहर की शांति बनाए के लिए रखने के लिए, पर इतने लगता है कि शांति बनाने के लिए काम कर रहा है, उसका बेल बजाना है। ये देख रहे हो यहाँ पर डार्क पावर कितनी घूम रही है, बंदे मतलब यहाँ के लोग यहाँ पर हमें पूरी तरह से मारने की कोशिश में है, पर हमें देखना यह है कि क्या वो हमें पूरी तरह से मार पाएगा, पर नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम यहाँ पर बहुत सारे फ्रेगमेंट और एडिट के मॉस और सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। ये जोकर भाई साहब है हमारे, आओ जी संभालो जी, ये चैन वाला हथियार संभालो जी, और ये लो जी, और ये भी लो, और ये भी लो, और ये भी लो, ये लो फाइनल। मरता नहीं है भाई, मतलब हमारे बोलने के कोई मतलब वैल्यू नहीं है, मतलब कैसे मारें आपको हम? इस विचार में हम बहुत बात विमर्श कर रहे थे, तो चलते चलते हमें ब्रिज मिल गया, और ब्रिज पे चलते चलते हमें आगे, देख रहे हो बैल बजने का क्या संकेत है, यानी वो कहता है कि अब शांति बनाए रखने के लिए हमको बैल को बजाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये सामने दो आंखें और एक मुंह वाला टावर हमें दिख रहा है। चलो वही चलते हैं उस पर, टावर पे क्या है क्या नहीं। देखो वो अंदर भाग गया, और यहाँ का रास्ता तो खुला हुआ है, और ये हमारा एलिवेटर है, मतलब लिफ्ट बोल दो या फिर एलिवेटर बोल दो, लिफ्ट बोल दो, बहुत सारे नाम है उसके। क्या था जो हमें आसानी से नीचे या ऊपर लेके जा सकता है? चलो भाई देखते हैं क्या रहता है अभी। तो ये हमें लेके जा रहा है ऊपर,
अच्छा यहाँ पर खड़े महाराज। You that dispersed the white dust in the sky. Yes, to free the people from control. What exactly is the white dust? It was made by Edith through the ancient ritual of the Martians. It was turned into crystal and fused with humans, from whom great power was activated. These people became a part of the Colossus consciousness and then its puppets. Do the Demiurges know about the results? Yes, but they still choose to burn their bridges. Curious, please find me around the town gate. I will open the gate towards the blessed land for you. अच्छा, मुझे लग रहा है इसके हमें साथ चलना है और ये हमें, हाँ ओके, तो गेट के पास चलेंगे अपन लोग। तो हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे पहले अपन लोग जो हमें ब्रूट फोर्स, ये है क्या, यहाँ से डायरेक्ट मिल भी सकता हमारा प्ले। काफ़ी टेंशन हो रही है, कहाँ जाऊँ, रिस्क ले क्या, ले इतने रिस्क, अरे भाई छोटी सी थी क्या, यहाँ से तो मरेगा, यहाँ से नीचे गिरा तो फिनिश, काफ़ी गहराई थी भाई। और ये यहाँ तो नहीं दिख रहा, वहीं से होगा, थोड़ा बहुत बचा हुआ शायद, उस पर से अपन लोग पहुँच जाएंगे इजी। ये हमें कुछ मिला यहाँ पर, उसका इस्तेमाल करके हम, मुझे रास्ता नहीं है यार, वो लग रहा है सिर्फ है बट नहीं, हमें निकल नहीं देगा, इतना पावरफुल नहीं है ये, कोई हमारा वैसा गेम नहीं है कि हम कैसे भी किसी भी घुस के और दीवार फांद के इधर उधर चले जाएंगे, हमें बिल्कुल तरीके से ही जाना पड़ेगा। और ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया तरीका हो गया, अपन तो डेड हो गए ब्रो, डेड हो गए, और फिर रास्ता देखना पड़ेगा मेरे भाई। कहाँ से चले, कहाँ से चले, ओ ये भाई यहीं था भाई, कहाँ जा रहे थे हम लोग, ये हम कूदे आराम से, और अभी एक और बार नीचे कूदना पड़ेगा शायद। ओ डैमेज फिर भी आया, अच्छा वो हील था अपने पास, नहीं तो निकल लेते अपन लोग। ये हमारा लिफ्ट फिर से आ रहा है, ये एलिवेटर बोल लेते हैं, अब हमें ये लिफ्ट कराएगा, थोड़ी सी तो लिफ्ट कराते, करा भी रहा है भाई, बढ़िया से करा रहा है, ध्यान देना है कि आगे हमें लिफ्ट के साथ हमें कुछ और ना करा दे। गोल गोल देख लेते हैं इसके आसपास कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं हो पाए, ये हमने गेट खोला, कुछ उतरी, ओ ओ कहाँ कहाँ से आते हो भाई तुम, थोड़ा सामने से आएगा ना, आवाज़ करते हो तुम, पहले आदमी से पहले आए, एक नहीं दो दो आए हुए भाई, तो क्या कर रहे हैं, मेरे इधर आना भाई, सामने से आना। हाँ ये भी ना बात कि है, जो हम लपेट लेते हैं जो जो यहाँ पर मिलेगा हमें। जो ये हमारा पिलंडा रेस्ट लेना जरूरी है मिकाल से, क्योंकि हमारा हेल्थ थोड़ा खट डाउन हो गया है, रेस्ट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। टैलेंट भी अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा टैलेंट हो सकता है, बाकी ये हमने कुछ अपडेट किया है, बस एक ही पॉइंट अपडेट करूँ बस। लगता है और कोई और पावर भी अटैक अपडेट हो सकती है सर, वो ये
नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। हाँ इधर दिख रहा है, ऐसा हो सकता है 7 बजे अपने पास पावर, ये एक और हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, ये करना पड़ेगा। जो दो वो दिखा रहा है वही कर सकते हैं भाई, अपन लोग एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास वो चीज़ें होनी चाहिए। चलो भाई तो अपना मेरे ख्याल से अपडेट हो गया है और अपन लोग अपग्रेड हो गए। ये रेस्ट अपन ले लिया है तो अपन को गेट के पास जाना है, शायद वहाँ पर जरूर कुछ ऐसी चीज़ है जिसका हमें सामना करना है और एडिथ का सच जानना है। यहाँ ये पूरा ऐसे एरो करके दिखाता है, ऐसे तारे लहराने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो सही में तारे ही हैं। ये मेंढक भैया है यहाँ पर, क्या मछलियाँ चाहिए भाई तुमको? भूख लगी इसे भाई, ब्रॉन फ्रेगमेंट तो बहुत खिलाता हूँ, पता है तो वो देता नहीं कुछ है, पता नहीं क्या क्या खा के जाता है, कुछ देगा क्या मेरे को? खाते ही जा रहा है भाई, बड़ा भुक्कड़ टाइप का है यार। हो गया, कुछ देगा क्या अभी जाने से पहले? कुछ नहीं दिया यार, बड़ा बेकार टाइप का बंदा है यार ये। ये गेट है हमारे यार, लग रहा है इसी गेट के पास बुला रहा था मैं ये। अच्छा तो ये हमें यहाँ से रास्ता दिखा रहा था कुछ। Damn it. That woman brought the ritual ahead. Edith is going to be reborn. We have to stop it. All those demiurges who have experienced the ritual will never come back. Is this the power mentioned by Alina? Once Edith is born, the souls of all the demiurges that attended the ritual will be taken. Stop the Colossus. Is that even possible? Don't forget our secret weapon. Hurry. This is my last request. I will tell you everything if you help me complete it. अच्छा तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को यहाँ पर जन्म दे रहा है और अगर उसने जन्म ले लिया तो शायद एडिथ जो शहर है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, तो हमें उसे बर्बाद होने से बचाना है। क्या भाई ये जड़े सी आ रही नीचे? लग तो बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने से यार। अच्छा दो दो हाथ इसके लटके रहते हैं क्या यहाँ पर? आओ भाई हाथ इधर दिखाओ हमें थोड़ा सा। प्रसाद भी करता है भाई, मतलब जन्म ले रहा है तू या फिर मतलब शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर तू है? ये बता हमें, समझा भाई तू चाहता क्या है। तो हाँ भाई लोग देखो ये जैसे हम इसे मार रहे हैं तो इससे हमें यही चीज़ समझते हैं कि कुछ ज़्यादा खतरनाक बड़े हाथ है भाई, मतलब पूरे शहर को खा सकता है ये। तभी तो ये पूरा बना भी नहीं है और इसे हम बनने भी नहीं देंगे। हमारी कोशिश यही है कि इसे हम इसे बनने से पहले से मार देंगे। वैसे अब तो पहले छोटे छोटे जो हाथ निकले थे जो मतलब कीड़े से निकले हुए हैं इसको हमें तो मारना पड़ेगा। देखो हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा जा रहा है, हमारी चीज़ थोड़ी ख़राब लग रही है। अरे जुगनू भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं भाई, ग्रीन ग्रीन जो जुगनू हैं ये बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को। ये देखो मतलब हमें थोड़ा मतलब पेशेंस रखने बहुत जरूरत है इसके अंदर। हाँ हम इसे पेशेंस रखते हैं, साथ में हम बात करते हैं ये गाइस, मतलब जो अभी अभी जो प्राणी हैं जो अभी इसने जन्म ले, इतना बेहतरीन प्राणी ने हमारे सामने जो जन्म ले रहा है, हमें इसके वाइट वाइट दांतों को तोड़ के हम इसके हैवी अटैक मारते हैं। हैवी अटैक मतलब पूरी पावर इकट्ठी करके मारते हैं, वो लगता भी क्योंकि ऐसे नहीं रखे थे ना, वो इनको तोड़ना पड़ेगा पहले। ठीक है
अच्छा बात करते हैं, क्या जो एलिना है शायद यहाँ से लेफ्ट हो गई है, मतलब यहाँ चली गई है और वो ब्लेसेस लैंड के अंदर जा चुकी है। तो यार आपको बता दें कि इसका जो अगला मिशन है अपना ब्लेसेस लैंड के अंदर ही होगा, और मुझे इसे हम अगर हम इसे मारते हैं या मार पाते हैं तो भाई ये मुसीबत कम थी क्या, मतलब और मुसीबत आ गई, मतलब गोले भी गिरेंगे वो भी उसके अंदर से फूटेगा और उसके अंदर गेंद गेंद बिल्कुल मतलब लावा से एसिड निकलता रहेगा। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम ब्लैक लिंक की बात कर रहे थे ना अपन लोग। तो हाँ जो एलिना हम देखो यहाँ पर हमें टेरिसा तो नहीं मिली ठीक है, और ये हमारी जो पार्टनर है हमारे प्लेयर की, ये बहुत मदद करी हमारी, तो हमारा प्लेयर अभी छुप के बैठा हुआ है किसी कोने में। अगर इसे मार देगा तो हमारा प्लेयर नहीं आएगा, अदरवाइज अगर ये नहीं मार पाए तो हमारे प्लेयर को मजबूर आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पार्टनरशिप वाला काम शुरू में यादव की सेकंड पार्ट के हम लोगों ने जो हम लोग एडमिना में अडामिना के अंदर आए हुए थे, तो तभी हमने तय किया था कि भाई हम लोग साथ में काम करेंगे, सोलो मारना बहुत मुश्किल है। तो सब लोगों का लक्ष्य एक है, बुराई को तबाह करना, उद्देश्य सबके अलग अलग हैं पर विलन एक है। तो सब लोग साथ हो गए हैं और सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ये हमारे इसने काम इसलिए नौकरी करती थी मतलब विलन एलियन शो या फिर कोई क्रिएचर को मारने का, तो अब तो फिलहाल नहीं मारती किसी को, पर हमारा जो पेरेंट्स है ना वो बहुत थोड़ा वैसा है, मतलब उसकी बातें लोग मान लेते हैं जल्दी से, थोड़ा दिल का अच्छा है और बहुत मतलब केयरफुल है ठीक है। तो ये भी आ गई थी, ये दोबारा से कैसे आया है इसी इफेक्ट, हाँ यार तो हम ये कहते कि जो एलिना है वो भाग चुकी है और टेरिसा में यह मिली नहीं है, वो कहें कि टेरिसा भी वो लो भाई मतलब हमारा प्ले मर गया, तो टेरिसा भी हमें शायद ब्लेसिंग लैंड के अंदर ही मिलेगी, तो ब्लेसिंग लैंड के अंदर एंटर करने से पहले अपन को पहले यहाँ पर एडिथ इसी का नाम है, मतलब एडिथ मतलब जगह के अंदर डेमेरस क्या नाम है वो जो है वो शहर है, पर एडिथ ये है लेजर ही मार रहा है भाई, इतना बड़ा हो गया कि तेरे लेजर भी निकल गए तेरे अंदर है। हो गया बड़ा, देख रहे हो हाँ देख रहे हो उसके लिक्विड की परत चढ़ी हुई है बिल्कुल उस पर फुल, उसे अटैक का असर ही नहीं हो रहा भाई, देखो ब्लॉक कर दिया उसने, आधा तो हम इसे मार चुके हैं, अभी हमारा टेरेंस आ गया देख रहे हो डिफेंस भाई, देख रहे हो जमीन में से लेजर भी आ रही है, अरे जड़े बड़े ओके भाई जड़ों ने पकड़ लिया भाई, इसके मतलब जड़े जमीन में भी हैं, मतलब पेड़ पौधा सब पूरा पूरी पावर एक साथ लेके बैठा हुआ है सारी की सारी, मतलब हमें क्या समझ रखा है इसमें, मतलब नूब है जो हमें समझे, मतलब हमें कुछ आता नहीं, हमें पता नहीं कि आपको कैसे हराना है, तो हमें इतना नादान ना समझे कि हम आपको हरा ना पाए, हमें भी आता है पर आप हमें उठा उठा फेंक रहे हो, हमें लग नहीं रहा कि आप हम मतलब मैं आपको हरा पाऊँगा, तो मैं फटाफट मारने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम मुझे मुझसे मरा ना तो मैं जाऊँगा दूसरी जगह और तू तो निकल लेगा, तो आज फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि मतलब स्टोरी के बारे में थोड़ी सी, क्या है कि ये तो मरता रहेगा, इसका काम ही मरना है, और ये अगर हम मार सकेंगे तो मरना है ना यार, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि मतलब भाई जो हमारा प्लेयर बहुत गिल्टी फील कर रहा है अंदर ही अंदर, इसे लगता है कि टेरिसा है सबके पीछे और पीछे
तो सच्चाई को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जो गेम का मेन पेज है उस पर भी हमें दिखता है कि टेरेसा को कैद कर रखा हुआ है, तो उसके पीछे की वजह नहीं पता है कि कौन है उसके पीछे, और वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता जानने के लिए हमें पूरा बिल्कुल हमें शुरू से अभी तक हम अलग अलग जगह पर होते हुए आए हुए हैं, और अभी हम एडिथ के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडिथ कोई एक जगह का नाम नहीं है, एडिथ अपने आप में एक बहुत बड़ा जीव है जो हमें मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, और लगता है कि शायद वो हमें मार भी सकता है क्योंकि हमारे पास हेल्थ नहीं है, उसकी हेल्थ तो हमारे हेल्थ वाला सेम है। पर वो ये कि अगर हमने इसका ये तोड़ दिया, इस पैर इसका पंजा तोड़ दिया जो अभी एक नाखून वाला है, तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। जब भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मतलब भाई इसे मारना इतना आसान नहीं था भाई, एक एचपी बची, एक किस्मत अच्छी थी भाई हमारी जो हम बच गए और एडिथ का अंत हमने कर दिया। कैन यू इवन टेल मी द ट्रूथ नाउ, डू यू बिलीव इन कोइंसिडेंस कुरियर? भाई कुछ नहीं बोलूंगा तेरी बात की। देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस और अ प्लान फ्रॉम गॉड। आवर डेस्टिनीज आर मेड अप ऑफ आवर डिफरेंट चॉइसेस। सम चॉइसेस आर इनसिग्निफिकेंट, सम आर फेटल। द चॉइस ऑफ वेलेंट बिलोंग्स टू द लेटर। ही डजंट लिसन टू एनीवन। It ruined all the Demiurge's efforts. However, even now, those idiots still think he's a hero. Do you mean that Valen was not wrongly accused then? Apostasy was just a lie to the church taught to cover up the more terrible truth. After the tragedy of the Martians, Valen assassinated the proxy. I don't understand. How could a pontifex of a holy abbey do such a crazy thing? Nobody knows. Behind secrets, hide more secrets, and most of the insiders are dead now. What else is hiding behind that tragedy? That's all I know. Go to the Blessed Land. Ask the Martian witch that you've long been searching for. She will answer your questions. What's your plan? I will stay and try my best to eliminate the effects of the white dust. The Demiurges have not yet reached their end. How long will it take? Nobody knows. It may take a while. मतलब भाई कितना तेज, अपना काम करा लिया, कह रहा मैं यहीं रुकने वाला हूँ। मतलब यार हमें ब्लेसिस लैंड भेज रहे हो। चलो तो गाइज अपन लोग चलेंगे ब्लेसिस लैंड। तो भाई गाइज आज के पार्ट में भाई गाइज अपने को इतना ही है, यही हमारा काम था। हमने यहाँ पर एडिथ में इसे मार दिया एडिथ को, और ये अपना यहाँ पर संभालेगा चीज़ों को, और साथ में साथ हमें ये देखना है कि हमें ब्लेसिस लैंड के अंदर एंटर करना है और वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या है, क्या हमें वहाँ पर टेरेसा मिलेगी, क्या एलिना जो वहाँ पर मिल चुकी है वो क्या सच में विलन है, क्या हमें वो रोक पाएगी, यहाँ क्या हमें सच जान पाएंगे। तो जानने के लिए वेट कीजिए यार। बाय बाय।